16 साल की डिंपल को देख राजेश खन्ना हो गए थे बेचैन। लोग मानने लगे थे राज कपूर और नरगिस की बेटी। एक जमाने में खूबसूरती की मिसाल पेश करने वाली एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 8 जून को अपना जन्मदिन मनाती हैं। आज से 41 साल पहले डिंपल कपाड़िया ने मात्र 16 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती, टैलेंट और एक्टिंग के दम पर वो स्टारडम हासिल कर लिया था जिसके कायल उस समय के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना भी थे। आइए जानते हैं इस कमाल की अभिनेत्री से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें। डिंपल कपाड़िया ने मात्र 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए उनके अपोजिट डिंपल कपाड़िया को चुना था। फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी एक जबरदस्त हिट साबित हुई। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिंपल राज कपूर और नरगिस की बेटी हैं। बॉबी 1973 के रिलीज के कुछ महीने पहले डिंपल की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई थी। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुंदर किनारे डिंपल को ले गए और अचानक उन्होंने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिंपल को ये सब सपने जैसा लगा। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और स्कूल बंक कर काका की फिल्में देखती थी। ऐसे में सामने से आकर राजेश खन्ना का प्रपोज करना डिंपल को भा गया और सब कुछ छोड़ डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। रातों रात डिंपल सुपरस्टार बन गई। लड़के डिंपल के दीवाने हो गए। बॉबी के लिए डिंपल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिंपल को फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बॉबी की सफलता के बाद डिंपल को फिल्मों में काम करने के कई ऑफर मिले, लेकिन राजेश खन्ना के प्यार की गिरफ्त डिंपल ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। विनोद खन्ना डिंपल कपाड़िया के साथ कई इंटीमेट सीन दिए हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि एक बार डिंपल कपाड़िया को किस करते हुए विनोद खन्ना इतने खो गए थे कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी नहीं रुके थे। इससे डिंपल काफी डर गई और खुद को विनोद से छुड़ाया और भागकर मेकअप रूम में जाकर छिप गई। वो विनोद से काफी नाराज थी। उन्होंने शूट करने से इनकार कर दिया। तब महेश भट्ट ने उनके पास गए और माफी मांगी। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल ने एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया। 11 साल के ब्रेक और दो बच्चों के बावजूद दुनिया उस समय दंग रह गई जब 1985 में फिल्म सागर में उसने डिंपल कपाड़िया का बोल्ड लुक देखा। ऐसे सीन्स करना उस दौर में बड़ी बात मानी जाती थी। फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिंपल ने कहा था, टिवंकल को हमेशा इस बात डर रहता है कि कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना ना पड़े, इसलिए वो चाहती है कि जल्दी से मुझे ढेर सारी फिल्मों में काम मिल जाए। उस समय डिंपल ने कहा था, काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है और वे खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहिए जहां सब अपनी आवाज उठा सकें और खुलकर जी सकें। 1985 में आई फिल्म मंजिल मंजिल से एक प्रेम कहानी शुरू हुई थी डिंपल और सनी देओल के बीच। पूरे 11 साल चला डिंपल और सनी देओल का अफेयर। सनी और डिंपल का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। यहां तक कि डिंपल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहकर बुलाती थीं, लेकिन सनी उस वक्त शादीशुदा थे और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ये प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। साल 1993 में आई फिल्म रुद्दाली डिंपल कपाड़िया की महत्वपूर्ण फिल्मों में एक है। रुद्दाली के लिए डिंपल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।